सभी भाइयों बहनों को सुबह का नमस्कार। वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो में आज आपको बताया जाएगा प्रकाशिकी यंत्र में खगोलीय दूरदर्शी क्या है। खगोलीय दूरदर्शी को एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं। खगोलीय दूरदर्शी जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि दूर स्थित ग्रह नक्षत्र तारों, दूर स्थित आकाश में जो ग्रह नक्षत्र तारे हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य में स्वयं का प्रकाश होता है, यह एक तारा कहलाता है। यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूर है। ग्रह नक्षत्र तारों, ग्रहण और खगोलीय घटनाओं का अध्ययन हम जिस प्रकाशिक यंत्र से करते हैं उसे कहते हैं खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी जो आकाशीय पिंड है उनका आकार गोल होता है। जब हम उनका चित्र का वर्णन अपने इस यंत्र की सहायता से देखते हैं तो उनका चित्र गोलीय रूप में रहता है, चाहे उल्टा बने या सीधा, प्रत्येक स्थिति में एक जैसा ही दिखाई देता है। अब इसमें देखिए संरचना क्या है। संरचना लेंस को कैसे हम व्यवस्थित करते हैं। खगोलीय दूरदर्शी में दो लेंस प्रयुक्त होते हैं, दोनों लेंस उत्तल लेंस कहलाते हैं। एक आर्गन की पाइप होती है, पाइप के दोनों सिरों पर दो लेंस लगे होते हैं। जिधर वस्तु होती है, ये वस्तु है, जिधर दूर वस्तु होती है उधर बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, जिसे हम अर्धदृश्यक लेंस कहते हैं। इसका आकार बहुत बड़ा होता है और जिधर से वस्तु को देखी जाती है, जिधर हमारा नेत्र होता है पाइप के किनारे, जहां से हम वस्तु को के प्रतिबिंब को देखते हैं, उधर जो लेंस लगा होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी कम होती है, यह कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। दंतुर्दंड चक्र की व्यवस्था से इस प्रकार नेत्रिका लेंस और अदृश्यक लेंस के फोकस के बीच नेत्रिका के प्रथम फोकस और उसी बीच हम प्रतिबिंब का अध्ययन करते हैं। दूर स्थित वस्तु एवी से जब प्रकाश की किरणें अदृश्यक लेंस के पृष्ठ पर पड़ती हैं, तो इस पृष्ठ से अपवर्तित होकर एक किरणें अदृश्य के फोकस पर मिलते हुए नेत्रिका लेंस के पृष्ठ पर पड़ती हैं। अदृश्य के फोकस पर जब एक किरणें आपस में मिलती हैं, तो उस बिंदु पर एक वस्तु का छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, यह प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र और इसके फोकस के बीच बनता है, नेत्रिका लेंस और इसके प्रथम फोकस के बीच बनता है, और जिस बिंदु पर बनता है वह अदृश्यक लेंस का द्वितीय फोकस होता है। इस प्रतिबिंब से होकर प्रकाश किरणें नेत्रिका लेंस पर पड़ती हैं, नेत्रिका लेंस से पुनः एक किरणें अपवर्तित होती हैं, और किरणें अपवर्तित होने के पश्चात एक किरण जो मुख्य लेंस के समांतर होती है वह नेत्रिका लेंस के द्वितीय फोकस से होके जाती है, और एक किरण नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है, जो ई बिंदु दर्शाया गया है, और जो दो किरणें दूर स्थित वस्तु से आ रही थी एक दूसरे को काटने के पश्चात नेत्रिका लेंस पर पड़ती है। इन किरणों को हम अपनी आंखों की सहायता से देखते हैं, तब हमें अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह दूरी होती है जहां तक हमें वस्तुएं अस्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। तो ए डबल डैश बी डबल डैश यहां देखिए आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। इसे आभासी सीधा क्यों कहा गया है, क्योंकि पहला जो प्रतिबिंब हमारा है ए डैश बी डैश वह ए डबल डैश बी डबल डैश के लिए वस्तु का कार्य करता है।
है, इसलिए ए डबल डैश बी डबल डैश जो अंतिम प्रतिबिंब है वह ए डैश बी डैश के सापेक्ष आभासी सीधा और बड़ा बनता है। तो खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब आभासी सीधा बहुत बड़ा बनता है और इस प्रतिबिंब को देखकर ही हम नक्षत्रों के बारे में वर्णन करते हैं। यह कार्य सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और खगोलीय घटनाओं को खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से लेंसों को व्यवस्थित रूप में समायोजित करके देखा जाता है। जैसे समायोजन में लिखना क्या है, समायोजन में आप लिखना है कि अदृश्य लेंस और नेत्रिका लेंस को आगे पाइप के दोनों सिरों पर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि दूर स्थित बस से आने वाली प्रकाश किरणें अदृश्य लेंस के पृष्ठ पर पड़ते हैं और इस पृष्ठ से अपवर्तित होकर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटते हुए नेत्रिका लेंस में पड़ती हैं और जिस बिंदु पर काटती हैं उसी पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह व्यवस्था दंतुर्दंड चक्र की रहती है और फिर हम इनकी इन आने वाली किरणों को आंख की आंख के द्वारा देखते हैं तो हमें अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब का बनना, इसी में आपको प्रतिबिंब का बनना बताया गया। आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर प्रकाशिक यंत्र की सहायता से, प्रकाशिक यंत्र की सहायता से अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण बीटा बटे वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाला कोण अल्फा, m बराबर बीटा अपान अल्फा लिखा जाता है। अब इसमें प्रकाश हमें आवर्धन क्षमता में जो प्रश्न पूछा जाता है कि आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखे, जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट डिस्क की न्यूनतम दूरी पर बनता है और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो इसका पहला पॉइंट जब अंतिम प्रतिबिंब प्रतिबिंब अस्पष्ट डिस्क की न्यूनतम दूरी पर बनता है, अस्पष्ट डिस्क की न्यूनतम दूरी पर बनता है पर बनता है तब m बराबर माइनस fo अपान fe 1 प्लस fe अपान d होता है। यह परीक्षा में आ चुका है इसलिए बहुत ध्यान देखेंगे भैया बहनों, इसका निगमन इंटर स्तर में रहता है। हाई स्कूल में आपको केवल पूछा जाएगा कि खगोलीय दूरदर्शी का सचित्र वर्णन कीजिए, तो इसमें आपको प्रतिबिंब का बनना, उसके बाद समायोजन और आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखना है। अब इसके बाद है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है तब आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस fo / fe के, दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब की लंबाई तो वस्तु के द्वारा बनने वाली स्थितियों पर निर्भर करता है। इसमें पूछा जाता है कि ये दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी, तो पहले में जब अस्पष्ट डिस्क की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता है तो दूरदर्शी की जो लंबाई होगी, पहले में दूरदर्शी की लंबाई लिखा जाता है, दूरदर्शी की लंबाई बराबर fo प्लस ue के। यहां से देखिए ये दूरी fo है और ये शेष दूरी क्या है, ue है। तो जब वो अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट डिस्क की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो दूरदर्शी की लंबाई fo प्लस ue लिखी जाती है और इसका जो दूसरी स्थिति में बताया गया है अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी, तो दूरदर्शी की लंबाई हो जाएगी, दर्शी की लंबाई इसमें लिखा जाएगा fo प्लस fe। अंतिम प्रतिबिंब तब बनेगा जब पहला प्रण बनने वाला प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस पर होता है। जब ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस पर होगा तब हमारा
अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इसलिए उस समय दूरदर्शी की जो लंबाई होती है या को प्लस या पी कहलाती है। अब यहाँ देखिए सूत्र से स्पष्ट है कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता किस पर निर्भर करती है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ये देखिए नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करती है। या पी का मान जितना कम होगा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान उतना ही अधिक होगा। इसको हम विशेष बिंदु पर लिख सकते हैं कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कब अधिक होगा, जब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी उसी अनुसार दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान अधिक होगा। और ये पूछा जाता है खगोलीय दूरदर्शी में अपदृश्यक बड़े द्वारक का क्यों लिया जाता है। बड़े द्वारक का इसलिए लिया जाता है जिससे इसकी आवर्धन क्षमता अधिक हो। बड़े द्वारक होने से प्रतिबिंब अधिक अच्छा बनता है। आवर्धन क्षमता शेष इसमें इस पर विस्तार के रूप में इंटरमीडिएट स्तर पढ़ेंगे, हाई स्कूल स्तर में आपको इतना ही पढ़ना है। इसे किताब से नोट्स अपना लिख लें और वीडियो के एक से अधिक बार देख करके अच्छी तरह से वीडियो को समझें जिससे हम परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। शेष कार्य अगले वीडियो में बताया जाएगा।